मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के साथ खंडवा में भी मानसून सक्रिय हो चुका है। यहां पर नगर निगम के उन दावों की पोल खुलती नजर आ रही है जिसमें बारिश शुरू होने से पहले नगर निगम ने नालों की सफाई और मेंटेनेंस का दावा किया था, लेकिन मानसून की दस्तक के बाद निगम ने नालों की सफाई और मेंटेनेंस का काम शुरू किया है। इस लेट लतीफे के कारण आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए हमारी रिपोर्ट। यहाँ पर खंडवा के रेलवे स्टेशन के सामने नाले का निर्माण कार्य चल रहा है जिससे यहाँ के दुकानदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों के साथ ही ग्राहकों का भी दुकान पर आना जाना मुश्किल हो गया है। नाले का निर्माण कार्य चलने से आवागमन बंद हो गया है। यहाँ पर निगम की लेट लतीफी के चलते व्यापारियों पर काफी असर पड़ रहा है। ग्राहक दुकानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि मानसून शुरू होने से पहले निगम को मेंटेनेंस और सफाई का कार्य पूरा करना चाहिए था, लेकिन मानसून की दस्तक के बाद निगम ने यहां पर सारे काम शुरू कर दिए जिससे अब उन्हें दुकानों में पानी भरने और आने जाने में समस्या हो रही है। सर, बारिश होती है तो ये पूरा रोड जाम हो जाता है और दुकानों के अंदर पानी भरा जाता है पूरा, और 3 साल से दिक्कत हो रही है। फर्नीचर खराब हो जाता है पानी से, ये पूरा पानी आखिरी तक पूरा चली जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है। वो जिस समय पानी आ जाता है उसके बाद बंद होने के बाद भी 3 से 4 घंटे तक परेशानी रहती है क्योंकि पानी एकदम स्लो स्पीड से, वो तो जाम हो जाता है ना नाला। ग्राहक कहाँ से आएंगे, आने की जगह ही नहीं रहती तो ग्राहक कहाँ से आएंगे। साफ़ सफाई करते हैं थोड़ी बहुत, साफ़ सफाई करके चले जाते हैं। वो इस बार अभी वो काम कर रहे हैं, बस जो दिख रहा है नाली बन रही है, नाली बन रही है, नाला नहीं बन रहा है, नाली बन रही है। जो पहले नाला था उसको नाली बना दी। अब वो तो होगी तकलीफ, अब उन लोग वहाँ से क्या काम मिला और यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं। वही मामले में निगम के अधिकारियों का कहना है कि यह काम पिछले 1 माह से चल रहा है। शहर के विभिन्न नालों की सफाई एक बार हो चुकी है, दूसरी बार फिर की जा रही है ताकि जल भराव की स्थिति निर्मित ना हो। इसके बाद भी अगर तेज बारिश के चलते जल भराव की स्थिति बनती है तो हमारी टीम तैयार है। नगर निगम के द्वारा विगत एक महीना हो गया है, साफ़ सफाई को लेकर के मशीनों द्वारा मैनुअल रूप से साफ़ सफाई कराई जा रही है। अभी आप देख सकते हैं कि नगर निगम शहरों में चारों तरफ, चंपा तालाब का नाला हो या आपका तीन पुलिया का जो नाले की सफाई चल रही है आप ही के सामने, पार्वती भाई धर्मशाला के सामने नाले की सफाई चल रही है, खानसा वाली तरफ चल रही है, कुल मिलाकर के शहर में चारों तरफ साफ़ सफाई कराई जा रही है। कार्य विगत 1 माह से चालू है इसलिए लेट नहीं हो गए हैं, ये सब सफाई एक बार की हो चुकी है। पुनः जो है अब मानसून जब सर पर है तो और किसी प्रकार की परेशानियां ना हो और कहीं पर भी जल भराव जैसी स्थितियां ना बने। तेज बारिश आने पर जल भराव की स्थितियां नेचुरल बात है बनना, मगर उसके बावजूद हमारा प्रयास ये है कि किसी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। कि जल भराव नहीं होगा ये हम नहीं बोल सकते, हम लोग हमारा जो कार्य है वो पूर्ण रूप से यही प्रयास कर रहे हैं कि कहीं पर भी जल भराव की स्थिति ना बने। इसी में हम लोगों ने जो है बाढ़ आपदा की टीम का गठन किया है, अगर रात भी कहीं पर पानी रुकने जैसी स्थितियां बनती है तो हमारे यहाँ सभी विभाग से जो है बाढ़ आपदा की टीम बनी हुई है। सारे वाहन जो है रात में कभी भी पानी गिरे, जब भी गिरे, तो हम लोगों की पूरी जो है व्यवस्थाएं हमारे द्वारा की गई है। हालांकि अभी पूरी तरह से मानसून के सक्रिय होने में वक्त है, इसीलिए अब निगम अधिकारियों को क्षेत्रवासियों की समस्या पर जल्द ध्यान देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, खंडवा।